देखिए ये हमारा PIPO PIPO शिफ्ट रजिस्टर है। PIPO शिफ्ट रजिस्टर क्या करता है, हमारा जैसे आप इनपुट दोगे तैसे तुरंत आउटपुट पे दे देगा। तो आप सर्किट समझ लीजिए, सर्किट में हम क्या करते हैं, ये देखिए हमारा सर्किट है। तो देखिए इस सर्किट में पांच टू सप्लाई दे दीजिए, यहाँ पे ग्राउंड कर दीजिए, इसको कुछ मत करिए, छुड़क छोड़ दीजिए, इसको 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 चार तार लगा दीजिए, मोड कंट्रोल को आप ऑन कर दीजिए। वन क्यों कर देंगे, क्योंकि डाटा में क्या है तुरंत है, तुरंत प्रॉप करना है, तुरंत डाटा लोड करना है। और इसमें पिन नंबर आठ और नौ में आप कौन सा यूज करेंगे, पिन नंबर आठ हम इसलिए यूज करेंगे, यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखा है पिन नंबर आठ में डाटा लोड करना है और आउटपुट पर हमें लेना है। इसीलिए उसमें इधर देखिए, जब उसका जैसे ही हम इस पर जैसे क्लॉक पल देंगे तैसे मैं आपको करके भी दिखा दूंगा, अगर आप ध्यान से देखिए तो आप इसको समझ लीजिए फिर से। यहाँ चार LED यहाँ लगा लीजिए और इस पिन को खुला छोड़ दीजिए, वन पे आप कुछ मत करिए, इस पे चार वायर लगा दीजिए। देखिए मैं लगा भी रखा हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए ये जो पीले दोनों तार हैं, देखिए ये है, ये बी है, ये सी है, ये देखिए फिर से देखिए, आप ध्यान से देखिए, कन्फ्यूज मत होइए। ये देखिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ये पिन नंबर मेरा 6 है, 6 को मैं 1 दे रखा हूँ, 1 इसलिए दे रखा हूँ क्योंकि मैं डाटा जो है लोड करना है ना, शिफ्टिंग वुफ्टिंग कुछ नहीं करना है। और क्लॉक पल्स हम पिन नंबर 8 को दिए हैं, पिन नंबर 8 को क्लॉक पल्स दिए हैं। देखिए 8 से क्लॉक पल्स ले रहा हूँ, यहाँ पे देखिए लिख भी रखे हैं पिन नंबर क्लॉक 8 से लेते हैं क्योंकि डाटा में लोड करना है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें क्लॉक पल्स आप 5 टाइमर ICs मत दीजिए, आप नॉर्मली ICs दीजिए। क्यों दीजिए, क्योंकि ये नॉर्मली वर्क करेगा। नॉर्मली वर्क कैसे करेगा मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इधर देखिए, इधर मैं इसको दे दिया हूँ, मैं देखिए अभी डाटा आपको दिया हूँ, देखिए क्लॉक पल्स है। अभी मैं इसको डाटा क्या क्या दिया हूँ, देखिए ए को क्या किया हूँ, 0 किया हूँ, बी को 0 किया हूँ, सी को 1 किया हूँ, सी को देखिए 1 किया हूँ, डी को भी देखिए 1 किया हूँ। इधर देखिए सी और डी मेरा ये तार है, देखिए मैं इसको 1 कर रखा हूँ, देखिए 1 आ रहा है। अब देखिए जैसे ही आप क्लॉक पल्स दोगे ना तैसे चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्लॉक पल्स अभी दे दिया तो डाटा आ गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ अगले नेक्स्ट लेता हूँ मैं। अब मैं क्या करूँगा, ए और बी को भी 0 कर दूंगा और सी को भी 0 कर दूंगा। ये देखिए मैं सी को देखिए 0 कर रहा हूँ, देखिए जैसे मैं सी को 0 करूँगा तो अभी देखिए मेरा कोई चेंज नहीं हुआ। अब जैसे मेरी क्लॉक पल्स आएगी, देखिए जैसे मेरी क्लॉक पल्स आएगी, क्लॉक पल्स मैं मैनुअली दे रहा हूँ, इधर देखिए क्लॉक पल्स मैंने निकाल लिया, क्लॉक पल्स दिया, देखिए जैसे तैसे ही मेरा डाटा खराब हो। और सपोज अगर मान लीजिए मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, ध्यान से देखिए पिन नंबर बी को 1 कर देता हूँ, ठीक है। मैंने अभी क्या किया, पिन नंबर ए को देखिए 0 कर रखा हूँ, आप लिखते जाइए, पिन नंबर ए को 0 कर दिया, बी को 1 कर दिया, सी को 1 कर दिया, डी को भी देखिए 1 कर दिया। अब देखिए यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, जैसे हम क्लॉक पल्स देंगे, मैनुअली क्लॉक पल्स दे रहे हैं तभी आपको डाटा समझ में आएगा, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी कर रहा है। इधर देखिए जैसे हम क्लॉक पल्स दिए, देखिए हो गया ना, इधर देखिए इसकी वर्किंग है। कोई डाउट हो तो आप पूछिए।